हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीर एंड ममा। और आज मैं आपको दाल पूड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैंने यहाँ पे चना को भिगा के रखा था 4 से 5 घंटे, और ये देखिए अच्छे से ये फूल गए हैं। अब मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में मैं अब 2 चम्मच तेल डाल दूँगी। तेल गरम हो गई, अब मैं आधी छोटी चम्मच पचफोरन डाल दूंगी। जब पचफोरन चटक जाए तब मैं लहसुन डाल दूंगी। ये कूट के रखा था 4 से 5 लहसुन। अब इनको चला लेंगे अच्छे से। अब लाल मिर्च डाल देंगे। आप लाल मिर्च अपने अनुसार कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं 5-6 लहसुन लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी। इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से। आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं आधी छोटी चम्मच नमक डाल दूंगी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं 1 कप पानी डाल के इसको ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। बीच बीच में दाल को हम चेक भी करते रहेंगे कि दाल अच्छे से पके हैं कि नहीं। अब मैं इसमें से दाल को देख लेती हूँ निकाल के कि दाल पके हैं कि नहीं। दाल अच्छे से अब पक गए हैं। अब हम बंद कर देंगे गैस, और इसको मैंने पीस लिया है। अब इधर मैं आटा भी लगा लूँगी। हमें सॉफ्ट आटा लगाना होगा। हम आटे में हम जैसे नॉर्मल आटा लगाते हैं वैसे ही आटा लगा के रखेंगे। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी सेट होने के लिए। अब चेक कर लेते हैं, आटा सेट भी हो गया और ये फूल भी गए हैं। अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ काट लूँगी और इसको कटोरी का आकार दे दूंगी। अब मैं इसमें दाल को भर लूंगी। दाल को कम और ज़्यादा अपने अनुसार भरें, आपको जैसा पसंद हो। अब चारों तरफ से मैं उसको आटे को उठा के इसको बंद कर दूंगी। ऐसे ही मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी भर के। अब इसको हम बेल लेंगे। ये 1/2 इंच मोटे मैंने रखा है। ऐसे मैं सारे लोइया को बेल लूँगी। मुझे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, इसलिए मैं आप अपने हिसाब पतला मोटा बना सकते हैं। अब मैंने तवा चढ़ा दिया, तवे पे मैं सेक लूँगी हल्का हल्का। आप चाहे तो डायरेक्ट भी सेक सकते हैं, आप चाहे तो पराठे के जैसे भी बना सकते हैं तवे पे। मैं हल्का हल्का सेक के रख लूँगी, इससे ये होता है कि कच्चापन रहने का डर नहीं रहता है। अब इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं पूड़ियों को तल लूँगी। देखिए कैसे पूड़ियाँ फूल के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही नरम नरम सॉफ्ट बनते हैं। ऐसे ही मैं सारी पूड़ियों को तल लूँगी। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी दाल पूड़ी कैसे बन के तैयार हुई है। ये देखिए कितनी मज़ेदार पूड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।